नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में जी हाँ ये आज हम सभी जानते हैं एक बेहद ही खास जानकारी के बारे में जो आप सभी के लिए लाभदायक हो हमारा हर वक्त ये प्रयास होता है जी हाँ भुनी हुई लौंग को खाने के फायदे आज हम सभी जानेंगे सबसे पहले तो ये एसिडिटी से राहत दिलाता है खाना खाने के बाद एक भुनी हुई लौंग चबाने से एसिडिटी और सीने में जलन के प्रॉब्लम से राहत मिलती है ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है इसके अलावा अगर किसी को भी सूखी खांसी और कफ़ हो तो दो लौंग को भून करके मुंह में रख लेना चाहिए इससे खांसी गले की सूजन और कफ़ की प्रॉब्लम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा प्राप्त होता है इसी के अलावा किसी के अगर दांतों में दर्द हो रहा हो जी आप सभी जानते हैं बहुत पीड़ादायक होता है जब दांत में दर्द होता है तो दांत में दर्द होने पर लौंग भून करके दांत के नीचे रख लें और हल्का हल्का चबाएँ दर्द दूर हो जाएगा इसके अलावा आपने खास करके देखा होगा जब लोग सफ़र में जाते हैं तो उनको उल्टियाँ आने लगती हैं यानी कि उल्टी या जी मिचलाना तो सफ़र के दौरान या वैसे भी उल्टी और जी मिचलाने की शिकायत होने लगे तो भुनी हुई लौंग चबाइए इससे आपको राहत मिल जाएगी आपको उल्टी नहीं होगी इसके अलावा अगर आपको इनडाइजेशन और गैस की प्रॉब्लम है तो भुनी हुई लौंग को चुटकी भर काले नमक के साथ खाइए इससे गैस और इनडाइजेशन से राहत मिलती है यानी कि आपके पेट में गैस भी नहीं बनेगी और खाना अच्छे से हजम होगा इसके अलावा मुंह की बदबू के लिए भुनी हुई लौंग चबाने से मुंह में बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया नष्ट होते हैं और बदबू दूर हो जाती है इसके अलावा अगर आप सिर दर्द से परेशान हैं तो लौंग में एंटी इन्फ्लामेंट्री तत्व होते हैं सिर दर्द होने पर दो लौंग भून करके चबाना चाहिए इससे काफ़ी ज़्यादा राहत प्राप्त होती है इसके अलावा अगर किसी के पेट में कीड़े पड़ गए हैं तो भुनी हुई लौंग पीस करके शहद के साथ खाने से पेट के कीड़े नष्ट होते हैं इसके अलावा साइनस से राहत लौंग में मौजूद इजेनॉल नाक से बलगम साफ करके गर्माहट देता है इससे साइनस से राहत मिलती है इसके अलावा एसिडिटी से यह राहत देता है जी हाँ खाना खाने के बाद एक भुनी हुई लौंग चबाइए इससे एसिडिटी और सीने में जलन की प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है जी हाँ दोस्तों तो इन प्रयोगों के द्वारा यानी कि भुनी हुई लौंग के प्रयोगों के द्वारा आप इन बीमारियों से निजात पा सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में लौंग नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत गर्म तासीर की होती है ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों